मुझे भी अभी बहुत नींद आ रहा है क्योंकि अभी 11:30 में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ नाइट का, अभी 12 बजने और कल मेरे को फिर से सुबह में जाना है। कम मिलता है, खाना मिलता है और नाश्ता मिलता है, तीनों टाइम कोई दिक्कत नहीं। ABC भाई हो क्या, सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस अभी हमको अचानक वीडियो बनाना पड़ा है, जैसे कि गाइस टाटा मोटर्स का जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो चालू हो चुका है, मतलब हायरिंग चालू हो गया है। सो गाइस अभी टाइम नहीं मिल रहा था, इस कारण मैं वीडियो नहीं बनाता, बिकॉज मेरा जो भी शिफ्ट चल रहा है वो फर्स्ट चल रहा है। सो इसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं अभी नाइट को अभी समथिंग 11:30 बज रहा है उस टाइम, अभी इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हो गाइस अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 11:30 हो रहा है। तो गाइस अभी मैं ये मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मतलब हेल्प हो सके कि कहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग वगैरह चालू है। सो आप लोगों को हेल्प हो सके, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लास्ट में लाइक करना, मतलब लास्ट में लाइक करना, अदरवाइज मत करना। अगर अच्छा नहीं लगे तो, अगर हेल्पफुल ना लगे, इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो वीडियो को लाइक मत करना, अगर लगे तो लाइक करना। सो गाइस ये इन्फॉर्मेशन में भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले इसमें बता देंगे गाइस टाटा मोटर्स में जो भी मतलब ज्वाइनिंग चालू है, सो गाइस वो टेम्परेरी अप्रेंटिस और डिप्लोमा ये सब के लिए चालू है। सो गाइस मैं अभी आगे बता रहा हूँ कि क्या, और उसके बारे में अभी और डिटेल्स में मैं आपको भी बताता हूँ। उनका मैसेज है, डियर वेरियस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कार प्लांट चिकली पुणे या ठिकानी ITI एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस अन्य टेम्पररी पद साथी वैकेंसी चालू हुआ है, तरी आपला कोणी फ्रेंड्स रिलेटिव असतील तर त्यांना तुम्ही ज्वाइनिंग साठी बोलू शकता। मतलब इसमें गाइस लिखा गया है कि कार प्लांट चिकली मध्य मतलब ज्वाइनिंग चालू है और डिप्लोमा अप्रेंटिस टेम्पररी मतलब इसका ज्वाइनिंग चालू है। सो गाइस आप कोई भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को बता सकते हो, तो इसमें ये लिखा गया। और गाइस आगे क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। आगे लिखा गया इस सिलेक्शन का जो भी क्राइटेरिया है वो लिखा गया है गाइस, फॉर अप्रेंटिस के लिए सबसे पहले कैंडिडेट अप्रेंटिस साथी 2020 से लेके गाइस 2022 के अंदर जो भी ITI किए होंगे उनके लिए अप्रेंटिस का ये सुनहरा मौका है। तो गाइस नेक्स्ट है गाइस एज होना चाहिए उनका गाइस 17 से लेके 24 के बीच में होना चाहिए, और 2020 से 2022 के बीच में वो ITI पास आउट होने चाहिए। यहाँ ना सर्वे डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पर आने से पहले आपको सब अपना डॉक्यूमेंट, एजुकेशन जो भी पढ़ाई लिखाई की है उसका डॉक्यूमेंट लेके आना है, और सबका जेरोक्स लेके आना है, और गैस ई आधार कार्ड कंपलसरी है। सो गैस ई आधार कार्ड लेके आना है, और आप मतलब आगे जो भी मतलब अगर कोई नया आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको नेक्स्ट दिन जब आना है तो आपको दूसरा ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। इसमें 5 फोटो लेके आना है जो कि कहीं भी जाने मतलब ज्वाइनिंग के लिए फोटो वगैरह ऐसा लगता है, तो 5 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आता है, और बैंक अकाउंट भी लेके आना है। सो गाइस नेक्स्ट लिखा गया है गाइस कुटलाई कंपनी में अप्रेंटिस साथी रजिस्ट्रेशन के लिए नासवा, मतलब कोई भी कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए आए हो तो दूसरे कंपनी में मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मैसेज का ये लिखा गया है। और गाइस आगे क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, टेम्पररी के लिए नेक्स्ट टेम्पररी के लिए है, टेम्पररी पद साथी गाइस कैंडिडेट का ITI पास आउट होना चाहिए, और एज जो है टेम्पररी साथी का है 18 से लेकर 34 तक, जो भी एज मतलब जो भी टेम्पररी मतलब जो ज्वाइनिंग लेंगे उसका एज होना चाहिए 18 से लेकर 34 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो टेम्पररी और सेम आवश्यक आए और इतना यथाना सर्व डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल अन्य मतलब जीरोक्स सोबत होने, मतलब इसमें भी वही है कि मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह है जो भी एजुकेशन किए हो उसका ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों लेके आना है आपको, और गाइस पासपोर्ट साइज फोटो और ई आधार कार्ड कंपलसरी है जो कि सब जगह रहता है वो भी आपको लेके आना है। और नेक्स्ट क्या है गाइस, और वैक्सीन का दोनों डोज होना चाहिए गाइस, वो सबके लिए है मतलब अप्रेंटिस के लिए भी है और टेम्पररी के लिए भी है और डिप्लोमा वाले के लिए भी है, वैक्सीन का दोनों डोज होना चाहिए गाइस। और इसमें उससे ज़्यादा कुछ मतलब नोट भी लिखा गया है, और अधिक अगर इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी कुछ चाहिए तो आप कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है गाइस इसमें, अधिक माइक साथ रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट से
पैसेंजर व्हीकल रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है, मतलब रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट मतलब टाटा मोटर्स रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, उससे ज़्यादा मैं अभी बता देता हूँ कि क्या क्या है, कैसे क्या प्रजेंट वहाँ पे प्रजेंट कितने बजे होना है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। वहाँ आप 8:15 से 9:30 तक आपको वहाँ मॉर्निंग में प्रजेंट हो जाना है गाइस, और गाइस मॉर्निंग में वहाँ पर प्रजेंट हो जाना है। और गाइस और मैं ये भी बता देता हूँ गाइस, ये के ब्लॉक कार प्लांट के लिए डिस्पैच गेज पे आपको वहाँ पे जाना है। सो गाइस वहाँ पे आपको मतलब ये सारा काम होगा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एलियस स्पाइन रोड। तो गाइस ये जो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल स्पाइन रोड डिस्पैच गेट के ब्लॉक चिकली पुणे। और गाइस आपको वहाँ पे मंडे से सैटरडे को, मंडे टू सैटरडे 8:15 से 9:30 के बीच में वहाँ पे पहुँचना है मंडे। ये रहा कुछ जानकारी टाटा मोटर्स को मतलब हायरिंग को लेकर। सो गाइस अभी जो टाटा मोटर्स का हायरिंग जो चल रहा है, मैं खुद उस कंपनी में काम करता हूँ। सो गाइस टाटा मोटर्स की जो बात करें तो गाइस टाटा मोटर्स बहुत एक अच्छी कंपनी है, और एक सेफ्टी फर्स्ट रैंक दिया जाता है, मतलब टाटा मोटर्स सेफ्टी के लिए जाना जाता है। सो गाइस अभी टाटा मोटर्स में मतलब हायरिंग चालू है, और गाइस भले ही 14,000 पेमेंट 15,000 पेमेंट दिया जाता है टेम्पररी वाले को, लेकिन उनका कोई भी मतलब जो होते हैं वहाँ पर काम करे वाले टाटा मोटर्स के जो भी एम्प्लॉय होते हैं टेम्पररी वाले, मतलब उनका 19-20 हज़ार से कम का पेमेंट नहीं आता है। बिकॉज वहाँ पर जो है ना ओटी वगैरह मिलता है, तो ओटी करके बंदे 20-20 हज़ार तक कमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मानो तो हर महीने आपको 15-16-17 हज़ार से कम पेमेंट नहीं आता है, प्लस उसमें आपको 1,800 रुपये PF कट जाते हैं। तो गैस वो 6 महीने के बाद आपको वो कम आ जाएंगे। सो गैस टेम्पररी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। तो वहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर लो, और अपने दोस्त और रिलेटिव को भी बताओ कि यहाँ पे वगैरह ज्वाइनिंग चल रहा है, जो कि स्पाइन रोड चिकली डिस्पैच गेट के ब्लॉक। सो गाइस यहाँ पर जाना है आपको 8:30 से 9 बजे तक, मतलब अपॉइंटमेंट टाइम है कि 9 बजे तक आपको वहाँ जाना है। और इसमें डिप्लोमा वाले के लिए बता दूँ, जो कि डिप्लोमा जो भी करके जाते हैं, जो इनका डिप्लोमा हो गया हो, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया हो, मतलब इंजीनियरिंग हो गया हो, वो लोग मतलब जा सकते हैं यहाँ पर। वो लोग ज्वाइनिंग जो भी उनका डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब लेके जा सकते हैं। वो लोग को भी काम यहाँ पर मिल रहा है, और मिलेगा मतलब उनका मतलब मैसेज के मतलब जो भी मतलब मैसेज में जो भी लिखा गया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर उनका भी ज्वाइनिंग चालू है। सो आप जा सकते हो वो लोग भी, और गाइस को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। गाइस बस पास मिल मतलब बस मिलता है, खाना मिलता है, और नाश्ता मिलता है, तीनों टाइम कोई दिक्कत नहीं, ABC 3 शिफ्ट चलता है गाइस वहाँ पर। और गाइस खाने का नहीं प्रॉब्लम, नहीं बस का प्रॉब्लम है, नहीं नाश्ता का प्रॉब्लम है, और गाइस बिंदास कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है गाइस। अगर गाइस वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर करना, क्योंकि ताकि अपने दोस्तों को आपके अपने दोस्तों को मतलब सपोर्ट मिल सके, कहाँ पे क्या काम है, कौन से कंपनी का हायरिंग चालू है उनको पता चल सके। और वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस चैनल पर ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि और गाइस एक और बात, अगर आपको इसके रिलेटिव एक और भी नेक्स्ट लेवल अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं टाटा मोटर्स के ऊपर चाहे कोई भी कंपनी के ऊपर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सो गाइस अभी मेरे को सोना भी है, सो गाइस वी टेक केयर, गुड नाइट।